65 प्लस स्पीड है, सोच रहा हूँ ब्रेकटेस्ट करके देखते हैं। थोड़ा रिस्पॉन्स है, वो भी मुझे थोड़ा एग्रेसिव कम लग रहा है, मतलब थोड़ा सा स्मूथ एंड लीनियर पावर डिलीवरी कर रहा है। गियर शिफ्टिंग यस थोड़ा सा हार्ड है, मतलब इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है उस टाइम पर। N160 का पावर एग्रेसिव है, ब्रेकिंग भी और भी ज़्यादा बढ़िया प्रोवाइड करता है। तो गाइस आप लोगों को वाइब्रेशन फुटपेक्स एंड टैंक पे आएगा। मेरा शू देख पा रहे इधर पे जो मडगार्ड वगैरह है वो कीचड़ को उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अच्छा खासा कीचड़ पिलियन राइडर का पैर एंड टी शर्ट पर भी आ जाएगा। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटर ब्लॉग। सो गाइस आप लोग कैसे, होप करो सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहे ना मेरे तरह। सो गाइस देख पा रहे हो मेरे सामने खड़ी हुई है न्यू 2024 न्यू बजाज पल्सर N150। सो इंडियन मार्केट पे N160 पे बहुत ही ज्यादा अपडेट आ चुका है एंड आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कॉमेंट कर रहे हो कि न्यू बजाज पल्सर N150 को मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करूँ। सो अगर आप लोग इस बाइक को अभी बाई करना चाहते हो, इसको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, 2024 पे अपडेट प्राइस क्या है, अगर आप लोग इस बाइक को फिनांस पे लेना चाहते हो, कितना लोएस्ट डाउन पेमेंट पे गाइस आप लोग इस बाइक को बाई कर सकते हो, पर मंथ कितना ईएमआई भरना पड़ेगा, टॉप स्पीड माइलेज एंड क्या अपडेट है, हर एक चीज गाइस आप लोग को इस वाले वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, चलो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड लास्ट में गाइस इस बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करने वाला हूं, कैसा ब्रेकिंग है, कैसा सस्पेंशन आप लोग प्रोवाइड करता है, N160 से N150 पे राइडिंग क्वालिटी पे क्या डिफरेंसेस है, वो भी मैं गाइस आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। सो चलो गाइस आप लोग पहले सिनेमैटिक शॉट देख लो, देन वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो एवरीवन न्यू बजाज पल्सर N150 पे क्या सारा बदलाव है वो तो बताने वाला है, लेकिन पहले की से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ आप लोग की मिलता है, वेव की नहीं है, बजाज का ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल से की आप लोगों को मिलता है। सो जैसे बजाज पल्सर N160 पे ग्राफिक्स पे थोड़ा बहुत बदलाव आप लोग देखने को मिलेगा, मतलब उस मॉडल पे इधर पे 160 लिखा हुआ है, लेकिन N150 पे वैसा कुछ भी ग्राफिक्स पे आप लोगों को बदलाव देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट के साइड पे ओल्ड मॉडल की तरह ही इधर पे ग्राफिक्स रेड एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ, फ्रंट के साइड पे मडगार्ड है, इसका जो लेंथ है ये थोड़ा सा साइज पर इंक्रीज हुआ है, लेकिन मडगार्ड के ऊपर N160 की तरफ स्टिकरिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। साइड पे इधर पे ग्रे कलर का स्टिकरिंग है, ग्लॉसी ब्लैक एंड मैट कलर कॉम्बिनेशन के साथ डुअल पार्ट आप लोगों को मिलता है फ्रंट के मडगार्ड के ऊपर। जो फ्यूल टैंक है, टैंक के ऊपर पल्सर का 3D एम्बलम एंड ग्राफिक्स गाइस ओल्ड मॉडल की तरह ही मिलता है। साइड जो पैनल है उधर पे आप लोगों को थोड़ा सा कार्बन फिनिश टच देखने को मिलता है, ये स्टिकरिंग नहीं है। एंड जो रियर पैनल है उसके ऊपर पहले की तरह ही N150 का स्टिकरिंग एंड ग्राफिक्स थोड़ा बहुत मिलता है। सो फर्स्ट जो बदलाव है वो है, जैसे देख पा रहे हो इंस्ट्रूमेंट कंसोल अभी आप लोगों को मिलता है, फुल्ली डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले है एंड उसके साथ साथ अभी आप लोगों को इस वाले मॉडल पे मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब फोन के साथ गाइस आप लोग न्यू बजाज पल्सर N150 को पेयर कर सकते हो। देन कॉल अलर्ट मैसेज अलर्ट टर्न बटन नेविगेशन इस वाले मॉडल पर नहीं है, लेकिन कॉल अलर्ट मैसेज अलर्ट आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कंसोल में मिल जाएगा। कितना बैटरी है फोन पे, कितना नेटवर्क है वो भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर ही प्रोवाइड करता है। ऊपर के साइड पे RPM गियर पोजीशन इंडिकेटर, देन रिफ्यूलिंग, मतलब अगर बाइक में कुछ भी दिक्कत है वो वार्निंग इधर पे मिलता है। ओडोमीटर ट्रिप 8 भी एंड इसके साथ साथ जो स्विच असेंबली है इसको भी पूरा ही चेंज कर दिया है। इधर पे जो एम बटन है इससे गाइस आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे। सो इधर पे इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, देन DTE मतलब डिस्टेंस टू MT, बाइक में जितना पेट्रोल है उस हिसाब से बाइक कितना किलोमीटर चल पाएगा वो भी गाइस अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर ही आप लोगों को शो कर देगा। देन ट्रिप ए पे कितना माइलेज दे रहा है, ट्रिप बी पे कितना माइलेज दे रहा है, रियल टाइम माइलेज इधर पे ट्रिप बी एंड ट्रिप ए मिल जाएगा। सो बहुत ही ज्यादा फीचर लोडेड है। इंटर वार्निंग अगर बाइक में कुछ भी दिक्कत है वो भी इधर पे शो करता है। इधर पे गाइस न्यूट्रल, देन इंडिकेटर, अपर डिपर का वार्निंग, राइट साइड पे ABS इंजन मालफंक्शन वार्निंग, क्लॉक वगैरह मिलता है एंड ब्लूटूथ पेयर करने के लिए इधर पे गाइस कोड देख पा रहे हो। फर्स्ट बदला हुआ है इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे, देन स्विच असेंबली को पूरा चेंज कर दिया है। ऊपर के साइड पे अपर डिबर के साथ पासिंग बटन एम इंडिकेटर, नीचे के साइड पे मिलता है हॉर्न एंड राइट साइड पे इंजन किलो स्विच के साथ सेल्फ मिलता है, लेकिन हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन नहीं है। एंड इस मॉडल पे फाइनली अभी आप लोगों को प्रोवाइड करता है डुअल डिस्क, लेकिन सिंगल चैनल ABS के साथ। सो रियर के साइड पे आप लोगों को डिस्क मिलेगा, लेकिन ये डुअल डिस्क मॉडल नहीं है। सो इधर पे खड़ी हुई है न्यू बजाज पल्सर N150 डुअल डिस्क, सो रियर के साइड पे आप लोगों को इधर पे डिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो सेंसर है ये RLP सेंसर है गाइस, बहुत लोग देख के सोचते हो ये ABS है, नहीं ये RLP सेंसर है, रियर लिफ्ट व्हील प्रोटेक्शन एंड 230 mm का इधर पे नॉर्मल से डिस्क मिलता है
एंड फ्रंट के साइड पे हमें मिलता है 260 mm का नॉर्मल सी रोटर सिंगल चैनल ABS के साथ। इधर पे ABS का प्लेट आप लोग देख पा रहे हो, ABS का ब्रांडिंग इधर पे मिल जाएगा। डुअल चैनल ABS गाइस आप लोगों को प्रोवाइड करता है इन 160 पे। फ्रंट के साइड पे 31 mm के साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। एंड बहुत लोग पूछ रहे हो कि इस मॉडल पे USD फोक आएगा या नहीं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है जो पल्सर 150 पे आप लोगों को USD प्रोवाइड करेगा या नहीं, लेकिन N160 पे आप लोगों को USD फोक देखने को मिलता है। इधर पे फॉक प्रोटेक्टर मिल जाएगा धूल मिट्टी कचरे से, सस्पेंशन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देगा। इसके वजह से इंड्योरेंस ब्रांड का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर मिलता है। एलॉय की अगर बात करूँ, रिम टेप वगैरह देख पा रहे हो, 90x90 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर 17 इंच का एलॉय व्हील के साथ ऐसा कुछ टायर प्रोफाइल है। एंड जो एलॉय व्हील है उसका डिजाइन गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट है। एंड इस मॉडल पे आपको दो वेरिएंट मिलता है, सिंगल डिस्क एंड डुअल डिस्क। सो अगर सिंगल डिस्क के प्राइस की बात करूँ, इन कोलकाता ऑन रोड प्राइस है 1,46,000 जो आप लोगों के सामने है। इधर पे देख पा रहे हो रियर के साइड पर ड्रम मिलेगा, 130 mm का इधर पे ड्रम है। एंड ये जो है RLP सेंसर है, ये भी ABS नहीं है। एंड दूसरा और एक मॉडल मिलता है वो है गाइस डुअल डिस्क। इधर पे देख पा रहे हो डुअल डिस्क के सिंगल चैनल ABS के साथ। अगर आप लोग इस वेरिएंट को बाय करना चाहते हो, इसका ऑन रोड प्राइस है 1,50,000। एंड अगर आप लोग इस बाइक को फिनांस पे लेना चाहते हो, सो लोएस्ट डाउन पेमेंट कितना आएगा एंड पर मंथ कितना EMI भरना पड़ेगा वो मैं गाइस थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस इधर पे 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। जो मेटल इधर पे जो पार्ट है गाइस मेटल का है। एंड जो साइड पैनल है ये गाइस आप लोगों को फाइबर का देखने को मिलेगा। E20 का ब्रांडिंग देख पा रहे हो, मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी अभी न्यू बजाज पल्सर N150 का आप लोग राइड कर पाओगे। ECU वगैरह चेंज हो चुका है, फ्यूल पंप वगैरह चेंज हो चुका है। एंड अगर माइलेज की बात करूँ, अप्रॉक्स 40 से लेकर 45 तक आप लोगों को माइलेज प्रोवाइड कर देगा। ऑलरेडी मैंने इस बाइक के ऊपर एक माइलेज टेस्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो अभी बात करने वाले हैं इस बाइक का मेन पार्ट, मतलब हार्ट के बारे में, इंजन पे गाइस क्या बदलाव है एंड क्या पावर फिगर आप लोगों को प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट अपडेट हुआ है गाइस इंजन के ऊपर, जैसे देख पा रहे हो इधर पे DTSI का ब्रांडिंग नहीं है, सिर्फ बजाज का लोगो मिलता है। मतलब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी को इस वाले इंजन से हटा दिया है। इसके वजह से राइट साइड पर आपको स्पार्क प्लग मिसिंग मिलेगा एंड लेफ्ट साइड पे इधर पे आप लोगों को सिंगल स्पार्क प्लग देखने को मिलता है। सो BS6 कॉम्प्लाइंट OBD2 एंड Phase 2 का अपडेट के साथ फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल 2 वाल्व 149.68 cc एंड पावर प्रोड्यूस करता है 14.3 bhp एट द रेट 8,500 rpm एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.5 Nm एट द रेट 6,000 rpm। 5 गियर ट्रांसमिशन आप लोगों को इस वाले मॉडल पर प्रोवाइड करता है। हिल का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टो मिलेगा। एंड कंपनी क्लेम कर रहा है इस बाइक का अप्रॉक्स टॉप स्पीड 115 तक। एंड और एक चीज़ मुझे पर्सनली अच्छा लगा, बजाज पल्सर N150 का इंजन के ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो इस वाले मॉडल पे ना आप लोगों को प्रोवाइड करता है किक स्टार्ट, ये जो N160 पर नहीं है। सो इससे फायदे है कि अगर किसी भी टाइम बैटरी डेड हो जाए उस टाइम पे किक स्टार्ट राइडर को बहुत ज़्यादा गाइस हेल्प करता है। सो इधर पे कैथलेटिक कन्वर्टर मिलता है जिसके ऊपर प्रोटेक्शन है, O2 का सेंसर अंदर के साइड पर है, छोटा सा इधर पे एक बिली पेन है ये भी गाइस फाइबर के साथ है, ग्राफिक्स भी मिल जाएगा। एंड N150 पे आप लोग पता ही है अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है ऐसा कुछ, उसके ऊपर सिल्वर कलर का कोटिंग। सो नया इंजन है BS6 कंप्लीट OBD2 इंजन है। आइए करते हैं स्टार्ट। एंड मुझे पता है आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो इस बाइक का साउंड सुनने के लिए। सो ये जो साउंड है गाइस आइडल साउंड है, अभी थोड़ा सा रेव करते हैं। सो ओल्ड मॉडल से न्यू मॉडल का साउंड में मुझे थोड़ा बदलाव लगा, मतलब स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन N160 की तरह आपको बेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, थोड़ा स्मूथ एंड स्पोर्टी से एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को मिलेगा। सो आप लोगों को कैसा लगा न्यू बजाज पल्सर N150 का एग्जॉस्ट नोट, जरूर गाइस कमेंट करके बताना। सो इधर पे राइडर जो फुट रेस्ट है उसके ऊपर रबर कोटिंग मिलेगा, वो भी फोल्डेबल है, फुल्ली ब्लैक। एंड इधर पे रियर ब्रेक पैडल, जो पिलर राइडर फुट रेस्ट है वो भी फुल्ली ब्लैक ग्लॉसी एंड कुछ भी रबर कोटिंग वगैरह नहीं है, एल्युमिनियम के साथ है। अंदर के साइड पे छोटा सा एक टायर हगर मिलता है जो रियर के साइड पे मोनोशॉक सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करेगा धूल मिट्टी कचरे से एंड मल्टीपल एडजस्ट आपके हिसाब से आप लोग कर पाओगे। छोटा सा एक टायर हगर है पल्सर N160 की तरह ही। एंड एलॉय एंड टायर सेक्शन की बात करूँ, 120x80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर 17 इंच का एलॉय व्हील है। सो टायर जो प्रोफाइल है कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा। सो N160 की तरह आप लोगों को रियर के साइड पे टेल टैडी का फील नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर पे देख पा रहे हो फाइबर बॉडी है, सिक्योरिटी नंबर प्लेट इधर पे फिट होगा, रियर के साइड पे स्प्लिट टेल लैम्प, बल्ब इंडिकेटर, इंडिकेटर जो है LED नहीं है N160 की तरह।
छोटा सा रिफ्लेक्टर मिल जाएगा एंड जो नाव पर लाइट है वो भी आप लोगों को हेलोजन मिलता है। सो लेफ्ट साइड के प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, इधर पे आप लोग मिलता है साड़ी गार्ड देन लेडीज फुटरेस्ट, ये भी एक बढ़िया चीज़ है जो N160 पर नहीं है। कंपनी फीडर इधर पे डुअल स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों ही मिलता है विद साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर। ओपन चेन सेटअप मिलता है, सो 500 किलोमीटर बाद चेन को क्लीन एंड लूप करने की जरूरत पड़ेगा। सो ओवरऑल इस बाइक का कार्ड वेट है 145 kg एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ 165 mm का इधर पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो चलो बात करते हैं इस बाइक का सीट के बारे में। पहले गाइस सीट हाइट आप लोग बता दे रहा हूँ 790 mm का सीट हाइट है, स्प्लिट सीट नहीं है, सिंगल सीट है एंड कुशनिंग जो है वो भी गाइस आप लोगों को अच्छा खासा सॉफ्ट मिलता है। राइडर सीट का लेंथ भी बढ़िया है एंड देख पा रहे हो राइडर सीट से पिलियन सीट थोड़ा सा एकदम ही थोड़ा सा हाइट पर मिलेगा एंड पिलियन सीट का कुशनिंग भी गाइस सॉफ्ट है। स्प्लिट गैबरेल नहीं है, फुल्ली मैट ब्लैक सिंगल पीस पे इधर पे गैबरेल मिलेगा। सो बाइक का इंजेक्शन कर लेते इधर पे ऑफ एंड बैकलाइट स्विच है, मतलब स्विच पे आप लोगों को लाइट्स वगैरह देखने को मिलेगा। सो अभी बात करते हैं इस फिनांस स्कीम के बारे में। अगर आप लोग इस बाइक को लोएस्ट डाउन पेमेंट पे लेना चाहते हो सो मैं L&T फिनांस का स्कीम बता दे रहा हूँ। टॉप वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है इन कोलकाता 1,50,000, सो लोएस्ट डाउन पेमेंट आ जाएगा 25,000 अप्रॉक्स। एंड अगर आप लोग 3 ईयर के लिए EMI करना चाहते हो सो पर मंथ EMI भरना पड़ेगा 4,600 rupees एंड अगर आप लोग 4 ईयर के लिए EMI करना चाहते हो उसका पर मंथ आप लोग EMI भरना पड़ेगा 3,700 rupees। सो बहुत देर से इस रिव्यू पार्ट हो गया है, सभी बात करते इस बाइक का राइडिंग क्वालिटी के बारे में एंड आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। सो गाइस फाइनली जितना सा रिव्यू वाला पार्ट बताना था 150 के बारे में हर एक चीज़ आप लोग डिटेल्स पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अभी हम लोग लेने वाले इसका टेस्ट एंड मैं राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, मतलब न्यू इंजन पे TDI से टेक्नोलॉजी हट जाने के बाद एंड डुअल डिस्क होने के बाद आप लोग कैसा क्या बैटिंग प्रोवाइड करते हैं, कैसा एग्जॉस्ट नोट है, देन पावर रिस्पॉन्स कैसा है, थोड़ा रिस्पॉन्स कैसा है, गियर शिफ्टिंग में कुछ भी दिक्कत आ रहा है या नहीं, हर एक चीज़ आप लोग अभी डिटेल्स पे बताऊंगा। सो चलो राइट करके देखते हैं। सो पहले गाइस GoPro मोड पे एग्जॉस्ट नोट आप लोग सुना देता हूँ। सो ऐसा कुछ एग्जॉस्ट नोट है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिटिंग पोस्चर की बात करूँ थोड़ा सा आप लोगों को सामने की तरफ झुक के बैठना पड़ता है 10 या 20%, क्योंकि फुट पैक्स थोड़ा पीछे की तरफ है, टैंक को मैं पैर से इजीली ग्रिप कर पा रहा हूँ एंड इधर से जो कॉकपिट का व्यू है एकदम ही गाइस आप लोगों को N160 की तरह ही फील देता है एंड डिफरेंस कुछ भी नहीं है इधर से जो राइडर व्यू है एंड हैंडल बार क्लिप ऑन नहीं है लेकिन थोड़ा क्लिप ऑन की तरह फील देता है, जिसके वजह से थोड़ा कॉम्पैक्ट है, आप लोग इजीली ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे फिल्टर वगैरह कर सकते हो, उस पर गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड पहले वाला मॉडल से ना गाइस मुझे स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस बारिश स्टार्ट हो गया था इसके लिए थोड़ा साइड पर रुक गए थे एंड अब इधर पर देख पा रहे हो, हाँ इधर पर देख पा रहे हो पूरा बाइक जो भीग गया है। सो चलो राइड करते हैं रेनी सीजन पर। सो ओल्ड मॉडल से गाइस न्यू मॉडल पे स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, बेस गाइस अच्छा खासा प्रोवाइड कर रहा है। सो अभी ना ये जो मॉडल है डुअल ट्विन डिस्क के साथ है, सो ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं, सिंगल चैनल ABS मिलता है एंड रेनी सा सीजन है जैसे देख पा रहे रोड पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है। सो 65+ स्पीड है हम लोग अभी करने वाले ब्रेक टेस्ट, सोच लो ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। यस गाइस फ्रंट ब्रेक का बाइट सबसे ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना उस टाइम पे फ्रंट ब्रेक पे आप लोग अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो रियर पैरल पे सेंसर है लेकिन ABS वगैरह नहीं है, रियर ब्रेक भी गाइस अच्छा है लेकिन फ्रंट ब्रेक का बाइट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो थोड़ा सा बाइक खोलते हैं। साउंड चेक करो, मतलब 5000 RPM के बाद बाइक का साउंड एंड टोटल रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो डिफरेंट साउंड प्रोवाइड कर रहा है उस टाइम पे। साउंड देखो लेकिन N160 से अगर मैं कंपेयर करूं सो N160 पे ना मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को बेस प्रोवाइड करता है N150 से भी। सो N150 थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है एंड जो पावर रिस्पॉन्स है जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी मुझे थोड़ा एग्रेसिव कम लग रहा है, मतलब थोड़ा सा स्मूथ एंड लीनियर पावर डिलीवरी कर रहा है पल्सर N150 एंड N160 पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पावर डिलीवरी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। क्लच गाइस बटरी स्मूथ है, बटरी स्मूथ मतलब स्लीपर क्लच नहीं है फिर भी एक फिंगर से आप लोग कर सकते हो, इतना ज़्यादा बटरी स्मूथ क्लच है एंड हैंडलिंग थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है एंड अभी मैं विथ पिलर राइड कर रहा हूँ फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं है, मतलब सीट लेंथ वाइज बढ़िया है, कुशनिंग वगैरह वो भी गाइस बढ़िया है, सॉफ्ट मिलता है।
गियर शिफ्टिंग यस थोड़ा सा हार्ड है, मतलब मीडियम सॉफ्ट है। एन 160 में जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलता है वैसे सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट है। अगर सस्पेंशन की बात करूँ, फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड रियर सस्पेंशन मीडियम सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं एंड उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मीडियम सॉफ्ट मिलता है। सो इधर पर टेस्ट करते हैं गाइस हैंडल रेडियस। सो ऐसा कुछ हैंडल रेडियस मिलता है, मतलब थोड़ा सा कम है। सो आप लोग चाहते हो तो छोटे से जगह से इजीली गाइस टर्न कर सकते हो। देख रहे हो साउंड स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ। इधर पे गियर पोजीशन इंडिकेटर आप लोग प्रोवाइड करता है, टर्न बटन नेविगेशन वगैरह नहीं है। एंड इधर पे देख पा रहे एक वार्निंग आया है, मतलब जब हेडलाइट ऑन रहेगा ना उस टाइम पे इधर पे आप लोगों को वार्निंग प्रोवाइड करेगा। अगर कोई ऐसा बंदा है कि N160 को पसंद करते हो, मतलब N160 का लुक आप लोग पसंद करते हो लेकिन आप लोग फैमिली को लेकर ज़्यादा राइड करोगे, डेली कम्यूट करोगे एंड कम्यूटर मशीन ढूंढ रहे हो लेकिन थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन एंड स्पोर्टी लुक के साथ ऐसा कोई मशीन ढूंढ रहे हो, उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा बजाज पल्सर N150, क्योंकि सिंगल सीट मिलता है, आप लोग फैमिली को लेके, वाइफ को लेके, बच्चा को लेके आराम से राइड कर पाओगे एंड कुशनिंग भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन N160 थोड़ा स्प्लिट सीट है एंड रियर जो सीट है, मतलब रियर पिलियन जो सीट है वो थोड़ा सा हाइट पर है, जिसकी वजह से आप लोग फैमिली को लेकर राइड करने के टाइम पर थोड़ा दिक्कत आएगा। एंड अगर हैंडलिंग की बात करूँ, बहुत ज़्यादा लाइट है, उतना ज़्यादा हैवी मुझे फील नहीं आ रहा है। सो इसकी वजह से आप लोग ईजिली ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर फिल्टर वगैरह कर सकते हो, कुछ भी कैसे दिक्कत नहीं आएगा। और एक बात, अगर आप लोग इस बाइक को 60 से लेकर 65 ऐसे स्पीड पे क्रूज करते हो ना, उस टाइम पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। जब भी आप लोग 70 प्लस या 75 ऐसे स्पीड पे राइड करोगे ना, उस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लाइट वेट फील आएगा, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है उस टाइम पर। सो माइलेज की बात करूँ, 40 से लेकर 45 तक आराम से आप लोगों को माइलेज प्रोवाइड कर देगा। ऑलरेडी मैं गाइस इस बाइक के ऊपर माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। फ्रंट ब्रेक का बाइट है, देखो सिर्फ पुल करोगे ऐसा बाइक प्रोवाइड करता है। एंड फ्रंट जो सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों को इस मॉडल पे अपसाइड डाउन सस्पेंशन आएगा या नहीं वो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है, अभी तो सिर्फ टेलीस्कोपिक मिल रहा है पल्सर N150 पर। एंड इस मॉडल पर साड़ी गार्ड मिलता है विथ लेडीज़ फुट रेस्ट, ये भी एक बढ़िया चीज़ है। अगर आपके घर का मम्मी या कोई बुजुर्ग लोग अगर एक तरफ पैर करके बैठता है ना, उस टाइम पर लेडीज़ फुट रेस्ट बहुत ही ज़्यादा काम आता है। यस बेस तो है, स्मूथनेस भी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन N160 की तरह आप लोगों को पावर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। एंड उस मॉडल पे मुझे ब्रेकिंग जो है और थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगता है, मतलब N160 का ब्रेकिंग N150 से भी बढ़िया है, लेकिन इस पर भी ऐसा नहीं है ख़राब है, अच्छा है। लेकिन N160 का पावर एग्रेसिव है, ब्रेकिंग भी और भी ज़्यादा बढ़िया प्रोवाइड करता है एंड डुअल चैनल ABS मिलता है। सो अगर आप हाई स्पीड पर भी N160 पे पैनिक ब्रेकिंग करते हो, उस टाइम पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड उस मॉडल पर आप लोगों को ABS के ऊपर तीनों मोड देखने को मिलता है जो N150 पर नहीं है। एंड अभी देख पा रहा हूँ मैं हैवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर राइड कर रहा हूँ, फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा है, स्मूथली गाइस मैं फिल्टरिंग कर पा रहा हूँ। टोटल रिस्पॉन्स पे एकदम ही ड्रॉप नहीं है। एंड और एक चीज़, पल्सर 150 जो है ना सिंगल सीट एंड स्प्लिट सीट, उस मॉडल पे ना हैंडल थोड़ा हेवी लगता है। अगर आप लोग फिल्टर करना चाहते हो उस टाइम पे हेवी फील आएगा, लेकिन पल्सर N150 पे वैसा हेवी हैंडलिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। एंड पावर रिस्पॉन्स जो है वो बढ़िया है, एंड पल्सर 150 से N150 का ब्रेकिंग बढ़िया है, पावर रिस्पॉन्स स्मूथनेस ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर वाइब्रेशन की बात करूँ, अगर आप लोग 5000 से लेके 6000 7000 RPM पे क्रूज करोगे, उस टाइम पे कुछ भी कैसे दिक्कत नहीं आएगा, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह आप लोगों को फील नहीं आएगा। अगर आप लोग टॉप एंड करते हो, मान लो 7000 8000 RPM, उस टाइम पे कैसे आप लोगों को वाइब्रेशन फुट पेक्स एंड टैंक पे आएगा, क्योंकि 150cc का बाइक है, उतना ज़्यादा एग्रेसिव राइड करने के लिए बना नहीं है। एंड अगर आप लोग इस बाइक को इकोनॉमी जोन पर राइड करते हो, आराम से 40 से लेकर 45 तक आप लोग माइलेज प्रोवाइड कर देगा। सो और एक चीज़ आप लोगों को मिलता है, जैसे देख पा रहे हो, सो गियर पे जैसे साइड से गिराता हूँ
ऑटोमेटिक इंजन को हील कर देगा, मतलब ABX सेफ्टी फीचर सब लोग प्रोवाइड करता है। अगर साइड स्टैंड गिरा हुआ रहेगा आप लोग इस बाइक को राइड नहीं कर पाओगे। एंड थोड़ा सा रेन सा सीजन है जिसकी वजह से देख पड़ो बाइक जो पूरा ही गंदा हो चुका है, मतलब फ्रंट से लेकर रियर तक पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है। सो ओवरऑल ऐसा कुछ लुक है, ऑलरेडी मैंने गाइस आप लोगों को हर एक चीज़ बता दिया। सो ब्रेकिंग भी अच्छा खासा मिल जाता है। फ्रंट का लुक के अगर बारे में बात करूँ सो फ्रंट से कुछ गाइस आप लोगों को ऐसा लुक मिलता है। सो यही था गाइस आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना। अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेरी है जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड और एक चीज़, अगर आप लोग इस बाइक को रेन सीजन पर राइड करते हो ना, उस टाइम पर पैर का हालात कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब मेरा शू देख पा रहे इधर पे जो मडगार्ड वगैरह है वो कीचड़ को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। एंड पिलियन एयर जो बैठेगा ना उसका भी देख लो हालात, मतलब रियर पैर तक पूरा कीचड़ वगैरह आ जाएगा, क्योंकि इधर पे टायर हगर मिलता है, इधर पे बहुत ज़्यादा गैप है जिसकी वजह से अच्छा खासा कीचड़ पिलियन राइडर का पैर एंड टी शर्ट पर भी आ जाएगा। जैसे देख पा रहे हो पूरा ऊपर तक उछल का आया है पानी। सो ये थोड़ा दिक्कत है जैसे देख पा रहे हो आप लोग। सो वैसे इधर की वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर देना। मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ, तो चलो जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। सो बाय।